हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, नई स्विफ्ट 2024 का मैं टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस कवर कर चुका हूं। आज बात करेंगे स्विफ्ट में जो नया वेरिएंट आया है VXi ऑप्शनल की, और देखेंगे क्या खास है इस वेरिएंट में। तो देखिए, ये है VXi ओ वेरिएंट 2024 फेसलिफ्ट स्विफ्ट का, जिसमें बहुत ही क्लास फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन सेफ्टी दी हुई है नई वाली स्विफ्ट में। अपने इस वीडियो में सारी चीज़ कवर करने जा रहा हूँ। VXi ऑप्शनल वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड AGS ऑटोमेटिक में मिलेगा, जिसमें इस गाड़ी का प्रेजेंट का अगर हम एक्सोरूम कॉस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 7,56,500 रुपीज़ है। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये UP में ऑन रोड पड़ती है अराउंड 8,73,000 रुपीज़ की। बाकी दोस्तों, मैंने ऑटोमेटिक वेरिएंट की भी प्राइस मेंशन कर दी है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं VXi ओ वेरिएंट की और देखते हैं क्या खास है इस गाड़ी में। देखिए, VXi ओ वेरिएंट जो है वो VXi वेरिएंट से ही बना हुआ है, यानी मैक्स फीचर जो है वो VXi वेरिएंट वाले ही मिलते हैं। मैं स्पेशली हाईलाइट करूंगा कौन सा VXi O का एक्सक्लूसिव फीचर है। तो सबसे पहले नई स्विफ्ट का फ्रंट साइड नया लुक चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये है ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल, आप इसमें चेक कर सकते हैं। कंप्लीट बम्पर की डिज़ाइन इस गाड़ी में चेंज कर दी गई है। इनफैक्ट दोस्तों, इस गाड़ी की लेंथ भी पहले से 15 mm बढ़ाई गई है और हाइट जो है वो 10 mm कम कर दी गई है। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशंस स्क्रीन पे फ्लैश कर दी हैं, आप चेक कर लीजिए। लुक में यहाँ पे जो चेंजेस फ्रंट पे हुआ है वो आपने देख रहे हैं। इसके अलावा फॉग लैंप्स सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में मिलेंगे, उसके नीचे किसी भी वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आएंगे। हेडलैम्प सेटअप भी देखिए, बिल्कुल नए लुक के साथ आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको मिलेंगे तो प्रोजेक्टर बेस्ड, लेकिन ये येलो कलर की लाइट है, यानी हैलोजन प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं, जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जस्ट एक क्रोम का पार्ट यूज़ किया गया है। ये DRL लाइट्स दोस्तों ZXi वेरिएंट से मिलती हैं, जो कि इसके अपर वेरिएंट है। तो यहाँ पे हेडलैम्प्स चेक करने के बाद चलिए बात करते हैं साइड लुक की, और साइड से आपको इसको चेक करा देते हैं। तो देखिए, ये जो गाड़ी है इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, जिसके ऊपर अभी फिलहाल व्हील कैप्स नहीं लगे हैं, तो आपको जब आप गाड़ी परचेस करेंगे तो व्हील कैप्स लग के मिलेंगे। बाकी व्हील साइज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 165/80 R14 इंच के व्हील्स इसमें दिए हुए हैं। इंडिकेटर्स मिरर्स पे ही प्लेस करे हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हैंडल्स बॉडी कलर्स में है, और ये देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट एंट्री बटन है, क्योंकि इसमें स्मार्ट कीज आती हैं। तो ये है VXi ऑप्शनल वेरिएंट का एक्सक्लूसिव फीचर। अभी की के साथ इसका फीचर बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इस साइड से लुक चेक कर लीजिए। तो बैक साइड में आएंगे तो बैक में भी देखिए, स्विफ्ट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। टेल लैंप्स कंप्लीट नए हैं, सी शेप के LED टेल लैंप्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। सेंसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। कैमरा सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में मिलेगा। और ख़ास बात देखिए, ये जो आप डिफॉगिंग लाइंस चेक कर रहे हैं, ये इसमें स्टैंडर्ड फीचर कर दिया है। LXi वेरिएंट से आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही बेहतरीन फीचर यहाँ पे स्टैंडर्ड अब मिलता है नई स्विफ्ट में। बाकी एंटीना सब में ही, टॉप में भी दिख कर आया था, ये पोल टाइप में ही आपको उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, एक्सटीरियर मैंने आपको इस गाड़ी का चेक करा दिया है। अब बात करेंगे की, क्योंकि इसमें मिल जाती है स्मार्ट की। खास बात है, ये है ऑप्शनल वेरिएंट, ऑप्शनल बना ही है स्मार्ट की के साथ। तो ये देखिए, VXi और VXi ऑप्शनल में यही तो एक मेजर फ़र्क है। इसमें आपको स्मार्ट कीज़ मिल जाएंगी, डोर पे ये स्मार्ट एंट्री बटन दिया हुआ है, यहीं से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखिए आपको इसमें मिल जाएगा। तो प्रीमियम वेरिएंट वाला फील आप ले सकते हैं VXi ऑप्शनल वेरिएंट में। इसके अलावा दोस्तों, इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं, इनको हाथ से खोलना बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शनल वेरिएंट में कर दिए हैं इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs, जो कि VXi वेरिएंट में मिसिंग है। तो ये भी इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर है। इसके अलावा इसमें सुजुकी कनेक्ट, यानी कनेक्टेड कार वाला फीचर भी आपको मिल जाता है VXi ओ वेरिएंट में। तो ये तीन फीचर्स, यानी सुजुकी कनेक्ट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs और स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव फीचर मिलता है। तो ये है VXi ऑप्शनल वेरिएंट। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं इंटीरियर में जो भी फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ, वो सब VXi वेरिएंट में भी आते हैं। तो फिलहाल आप चेक कर लीजिए। देखिए, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट ZXi वेरिएंट से मिलेगी। VXi ऑप्शनल में हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं आएगी। चारों पार विंडो अगेन इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। यहाँ पे आप कंट्रोलिंग चेक कर सकते हैं। ऑटो लिखा हुआ है, यानी वन टच डाउन जाएगा और वन टच अप भी है। ये देखिए, विद एंटी पिंच, ये भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, बॉटल होल्डर्स, मैगजीन्स लगाने का स्पेस, स्पीकर्स का प्लेसमेंट किया हुआ है। बैक साइड का डोर चेक करिए, ये भी देखिए, यहाँ पे भी आपको बॉटल लगाने का स्पेस और स्पीकर लगे हुए हैं। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक पे है। आगे वाले आर्मरेस्ट जो हैं, ये आपको सॉफ्ट फैब्रिक ट्रिम पे मिलेंगे। पीछे की सीटिंग चेक कराता हूँ। 3-point सीट बेल्ट्स,
इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो आपको ZXI वेरिएंट से मिलेंगे। इसके अलावा पीछे का जो एसी वेंट है ये भी दोस्तों आपको ZXI वेरिएंट से मिलेगा, उसके नीचे वाले वेरिएंट में रियर एसी वेंट नहीं आए हैं। बाकी स्पेस नई वाली स्विफ्ट में बेहतरीन मिलती है, हालांकि कह लीजिए स्पेस में कोई भी अंतर नहीं आया क्योंकि व्हील बेस में कोई भी अंतर नहीं है, तो जितना स्पेस पहले था उतने ही स्पेस दोस्तों आपको अभी भी इस नई वाली स्विफ्ट में मिलेगा। इवन हेडरूम आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना मिल जाता है। तो ये है दोस्तों नई वाली स्विफ्ट की पीछे की सेटिंग, आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स आप चेक कर सकते हैं, रूम लाइट सिर्फ आगे की तरफ प्लेस की हुई है। तो यहाँ पे पीछे की सिटिंग चेक कराने के बाद मैं ज़रा आ जाता हूँ एक बार बूट एरिया आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 265 लीटर का बूट स्पेस दोस्तों आपको इस गाड़ी पे मिलेगा। यहाँ पे पीछे 60-40 स्प्लिट सीट पैटर्न नहीं है, ये 60-40 स्प्लिट सीट जो है मैंने टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आपको चेक कराई थी ZXI प्लस और ZXI में आती है। तो यहाँ पे जब हम इसकी पीछे की सीट्स को बेंड करेंगे दोस्तों तो ये पूरी एक बार में आगे जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी बेंच फोल्डिंग के साथ एक बार में ही पूरी आगे चली जाएगी। पार्सल ट्रे आप इसमें चेक कर सकते हैं, और दोस्तों ये इसमें रखा हुआ है इस गाड़ी के व्हील्स कैप्स। तो यहाँ पे व्हील कैप्स जब आप गाड़ी परचेस करेंगे तो ये लग के मिलेंगे, और स्पेयर व्हील जो है वो इधर नीचे की तरफ रखा हुआ है। ये देखिए बाकी व्हील्स की तरफ फुल स्टील पर है, और बाकी व्हील्स के साइज़ के बराबर ये 14 इंच में दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ बैठ के चेक कराते हैं VXI O वेरिएंट में आपको क्या और फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम उस फीचर की जो कि मारुति ने इस बार अपनी स्विफ्ट में ध्यान दिया है, वो है सेफ्टी को लेकर 6 एयरबैग्स दोस्तों स्टैंडर्ड कर दिए हैं इस गाड़ी में। एक एयरबैग यहाँ पर प्लेस्ड है, एक एयरबैग यहाँ पर प्लेस्ड है, यानी फ्रंट में 2 एयरबैग्स हो गए। कर्टेन एयरबैग्स आप इसके बी पिलर्स पे चेक कर सकते हैं, और जब हम चेक करेंगे इस गाड़ी की फ्रंट की सीटें तो यहाँ पे भी देखिए एयरबैग्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे साइड एयरबैग्स हो गए। तो टोटल 6 एयरबैग्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दिया है, तो ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बार नई स्विफ्ट में। देखिए बाकी फीचर्स एक बार हों या फिर ना हों चल जाते हैं, लेकिन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको 6 एयरबैग सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है जो कि फ्यूल सेविंग फीचर है, इंजन को बंद कर देता है जैसे ही आइडल कंडीशन पे आते हैं। स्टीयरिंग यहाँ पे देख लिए नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लैट बॉटम के साथ है, एडजस्टेबल है, कम्फर्ट के अकॉर्डिंग इसे हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चेक करिए तो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें मिलेगा, 7 इंच का टच स्क्रीन, जो कि देखिए यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें भी मिल जाती हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और ये म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों VXI वेरिएंट से शुरू हो जाता है। हाय सुजुकी, हाय व्हाट विल, देखिए इनफैक्ट यहाँ पे हम वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम पे, तो ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले VXI वेरिएंट में टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता था, अब VXI हो या फिर VXI ऑप्शनल वेरिएंट हो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ है। तो इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, आप अपने फ़ोन के नेविगेशन को उसमें चला सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये AC यूनिट में भी काफ़ी मेजर चेंज किया है, देखिए यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले दे दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑटोमेटिक AC है, लेकिन दोस्तों ऑटोमेटिक AC ZXI वेरिएंट से आता है, ये VXI O है जो कि नीचे वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम हॉट की तरफ जा रहे हैं तो ये बार्स इधर जा रहे हैं, और कूल की तरफ इधर जा रहे हैं, तो ये है मैनुअल AC लेकिन डिजिटल डिस्प्ले के साथ है। तो यहाँ पे ये भी एक कह लीजिए चेंज किया है, वो वैसे नॉब वाला AC हटा के अब थोड़ा सा स्टाइलिश AC आपको इस वाले वेरिएंट पे मिल जाएगा। फर्दर नीचे चेक कराते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पेंड्राइव लगाने का ऑप्शन है, 12 वोल्ट का SSD सॉकेट है, इस साइड पे आपको स्पेसेस मिल जाएंगी। और इधर की तरफ थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, बॉक्स चेक कर लीजिए, ये देखिए ये रस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स स्टोरेज स्पेस। ऊपर की तरफ जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर, इस साइड पे लैंप दिया हुआ है और वैनिटी मिरर है। इधर की तरफ आपको मिलेगा टिकट होल्डर। तो ये है दोस्तों स्विफ्ट का VXI O वेरिएंट। अब चलिए बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन की, जिसमें ट्रांसमिशन में तो हालांकि कोई भी चेंज नहीं हुआ, चाहे आप मैनुअल में लीजिए या फिर ऑटोमेटिक में लीजिए, 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT ऑटोमेटिक पे आएगा, जिस पर जब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो दोस्तों कैमरा सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXI प्लस में मिलेगा, उसके नीचे के किसी भी वेरिएंट में कैमरा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए
कैमरे का डिस्प्ले नहीं आ रहा है और सेंसर्स खाली बीप करेंगे जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट पास आएगा। अब बात करते हैं इंजन की, जिसमें मेजर चेंज हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इंजन में पहले ये के सीरीज़ का इंजन था, जिसको चेंज करके अब जेड सीरीज़ का इंजन कर दिया गया है। Z12E का नाम दिया गया है। 1.2 लीटर हालांकि सेम है, 1197 cc का है, लेकिन सिलेंडर में चेंजेस हुए हैं, 4 से 3 सिलेंडर हो गया है। पावर में थोड़ा बहुत चेंज आया है, 60 kW का प्रेजेंट इसका पावर है और टॉर्क है 1777 Nm का। तो यहाँ पर पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, माइलेज आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। अब दोस्तों क्लेम किया जा रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन पे 24.8 km/l का, वहीं पे ऑटोमेटिक पे क्लेम है 25.75 km/l का, यानी 2.5 से 3 km आपको ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलेगा। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, देखिए पावर एंड टॉर्क कम है, लेकिन यहाँ पे जब इस गाड़ी को ड्राइव करिए तो पिकअप में कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि मारुति ने इनफैक्ट स्पेशली क्लेम भी किया गया है कि 11% आपको इसमें ज़्यादा पावर और पिकअप मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ाया गया है। तो देखिए ये है स्विफ्ट का VXIO वेरिएंट। सारे फीचर्स आपने चेक कर लिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं, जल्द से जल्द मैं इसके और भी वेरिएंट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इन सब के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो फटाफट कर लीजिए। बाकी नई स्विफ्ट के बारे में आपकी क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।